ये सर कड़कनाथ का अंडा है, ये सोनाली का अंडा है सर। और कड़कनाथ का अंडा जो है थोड़ा छोटा छोटा होता है, लाइट कलर का होता है, और इसका थोड़ा डार्क कलर होता है सर, और मोटा अंडा होता है। आर्मी में है, अभी रिटायरमेंट होकर आ जाएंगे, तो हमने पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है कि हमें प्लेटफॉर्म आते ही खड़ा का खड़ा मिले सर। सर 100-150 तो कड़कनाथ है, 150 सर, और सर 350 सोनाली है सर। ये सर 100 मुर्गी 70 अंडे देती है रोज। कड़कनाथ कुछ कम देती है सर, 100 मुर्गी 60 अंडे देती है, 60 से 50 कम देती है थोड़ा। कीड़े मकोड़े घास फूस खाता है, हमारा जो वेट है, यो आपका फीड है, यो कम कॉस्ट हो जाती है। एक टाइम फीड खुआते हैं, एक टाइम बाहर खोलते हैं सर। मुर्गा जो है सोनाली का अभी हम 15 का दे रहे हैं, और इसका 25 रुपये का दे रहे हैं कड़कनाथ का। और मुर्गा जो है सर, मुर्गा 1000 रुपये का है, मुर्गी 800 रुपये। सर हम तो पोस्टर लगा रखे हैं सर आस पड़ोस के गांव में, नुक्कड़ पे 2-4 जानने वाले हैं आस पड़ोस में, बता दीजिए, वहां से ही माल बिक रहा है सर, कोई माल नहीं रुक रहा सर हमारा। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है सर, 15 रुपये का अंडा है सोनाली का, और उसका 25 रुपये का अंडा है। वो मुर्गा 1000 रुपये का है सर, और मुर्गी सर 800 रुपये की है सर सोनाली की। कड़कनाथ की कोई कॉस्ट नहीं है, 1500 लेके वो 5000 रुपये तक हम बेच देते हैं। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं यूपी के मेरठ जिले में। यहाँ पर मैं आपको ऐसे किसान भाई से मिलाऊंगा जो गांव में रहकर 5-6 तरीके के यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, सिरका वगैरह बना रहे हैं, साथ में शहद का भी काम कर रहे हैं, और जो महीने की इनकम है गाँव में रहकर 50-60 रुपये महीने का बड़े आराम से कमा रहे हैं। तो दोस्तों कैसे आप शुरू कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको शुरू करनी चाहिए, और कैसे आप अच्छा खासा मुनाफा गाँव में रहकर ही ले सकते हैं, तो पूरी बात करेंगे सर से, परिचय वगैरह भी लेंगे, और क्या इनकी जर्नी रही, क्या इनका सफ़र रहा, कैसे आप ये गांव से अपनी जो मार्केट है वो बना रहे हैं, किस तरह से अपना माल सेल कर रहे हैं, कहां सेल कर रहे हैं, तो पूरी बात करेंगे। बाकी दोस्तों मैं यहां पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये जो आप वीडियो में नंबर देख रहे हैं ये हमारा इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल का एक ग्रुप का नंबर है, जिसमें ऑल इंडिया से किसान भाई जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप के द्वारा आप अपनी मार्केट बना सकते हैं, यानी अपना जो सामान है खरीद भी सकते हैं, साथ में बेच भी सकते हैं। इस ग्रुप की फीस है साल की 200 रुपये, पे करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, सभी किसान भाइयों का नमस्कार, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद जी। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र चौधरी है सर। भूपेंद्र जी हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा खासा आपने यहाँ पे एक सेटअप किया हुआ है, आपने मुर्गा पालन भी कर रहे हैं, आपने गन्ने की खेती भी करी हुई है, आपने वर्मिंग कंपोस्ट भी किया हुआ है, सिरका भी किया हुआ है। लोग सर सिर्फ गन्ने की खेती करते हैं या फिर जॉब करते हैं, लेकिन आपने कुछ हटके यहाँ पे किया हुआ है, क्या प्रोसेस है, कैसी आपकी जर्नी रही, पूरी बात करेंगे, थोड़ा चलते और आओ सर हमारे फार्म पे आइए आप जी। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सर हमने ट्वेल लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए भाइयों, ये किसान भाई की ट्वेल है, यहीं पर ही शुद्ध पानी मिलता है, साथ में इनका गन्ना भी, खेत भी है, और साथ में फार्म भी है। तो सर यहाँ से सेटअप हो जाता है आपके फार्म का? जी सर, ये हमारा स्टोरेज है जी, अंडा वगैरह, अंडा वगैरह रखते हैं यहाँ पे जी। आप देख सकते हैं किसान भाइयों अपना यहाँ पे सर ने अंडे का इस्तेमाल रखा हुआ है। सर ये बताइए जो अंडे हैं रखे हुए हम देख रहे हैं, किस किस के अंडे हैं? ये सर कड़कनाथ का अंडा है, ये सोनाली का अंडा है सर। और कड़कनाथ का अंडा जो है थोड़ा छोटा छोटा होता है, लाइट कलर का होता है, और इसका थोड़ा डार्क कलर होता है सर, और मोटा अंडा होता है। कलर में अंतर है? हाँ सर। और कड़कनाथ का छोटा अंडा है? जी जी सर। चलिए सर, प्रोटीन भी बहुत है सर। चलिए सर इधर आ जाओ आप। देखिए दोस्तों गाँव में अगर आप रह रहे हैं तो सिर्फ कुछ करने की ज़रूरत है, मतलब आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ शहर में जाके आपको नौकरी मिलेगी और वहीं पर ही आप कमाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट देख सकते हो, ये मॉडल सर ने जो पेश किया है बहुत ही अच्छा एक मॉडल पेश करा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री रेंज में कड़कनाथ फार्मिंग हो रही है। और देखिए इनको जो खिलाया जा रहा है, सर ये बताइए ये क्या चीज़ है आपने खिलाया? ये सर वेस्ट है जो आता है उसमें सर, होटलों वगैरह में कटा पिटा वो वेस्ट है सर, और ये गोबर है सर। यानी फ्री रेंज में जो है? जी सर। विदाउट कॉस्ट? बिल्कुल जीरो कॉस्ट सर। अच्छा थोड़ा सर बताइए आप इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे अभी सर सर्विस में ही है सर, आर्मी में है, अभी रिटायरमेंट होकर आ जाएंगे, तो हमने पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है कि हमें प्लेटफॉर्म आते ही खड़ा का खड़ा मिले सर। यानी तैयारी आपने शुरू कर दी है? जी सर। तो अभी आपके पास एक तो क्या क्या बर्ड है? सर सोनाली है और ये कड़कनाथ है सर। कितने सोनाली हैं, कितने कड़कनाथ हैं? सर 100-150 तो कड़कनाथ है, 150 सर, और सर 350 सोनाली है सर। चलिए अंदर लेके चलते हैं, काफ़ी हेल्थी बर्ड है सर के। ये कौन सी ब्रीड है सर बताइए? ये सर सोनाली है।
प्योर पूरी सोनाली है जी सर। अच्छा सर, हम ही देख रहे हैं आपने मचान बनाई हुई है इनके लिए। जी सर, ये यहाँ पर बैठ रहे हैं, मतलब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सर। हाँ सर, इनको भी तो खुला चाहिए सर, जैसे हम लोगों को खुला चाहिए तो इन लोगों को भी तो खुला चाहिए घूमने के लिए, उड़ने के लिए, उछल कूद करने के लिए। जी, इन पे कोई बंदिश नहीं है, ये सब रात में ऐसे बैठ जाते हैं एक दौरे से सर, तो जैसे लाइन में लोग बैठ जाते हैं। जी, कितना समय आपको हो गया सर इसको करते हुए? सर इसको 9 महीने हो गए सर। कितने बर्ड से आपने शुरुआत करी थी? सर बर्ड से तो हमने 100 बर्ड से शुरुआत करी थी जी, और हम चूजा लाए थे और अभी बड़े बर्ड लाए हैं। अभी कैसा काम चल रहा है सर? सर बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये सर मीट पर्पज के लिए होते हैं या फिर अंडे पर्पज के लिए? अंडे पर्पज के लिए होते हैं सर। कितने अंडे देती है मुर्गी ये? सर 100 मुर्गी 70 अंडे देती है रोज। और ये कड़कनाथ कितना देता है सर? कड़कनाथ कुछ कम देती है सर, 100 मुर्गी 60 अंडे देती है, 60 से 50 कम देती है थोड़ा। अच्छा, लोग कहते हैं सर कि इसमें बीमारी वगैरह भी आती है? इसमें कोई बीमारी नहीं आती सर, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आती सर। तो बिल्कुल आप देखो सर, रेत में पड़ी है ये, देखो सर रेत में पड़ी है, ठीक है ना सर, उधर भी रेत में पड़ी है, देखो इनको क्या बीमारी आएगी, मर जाए ऊपर बैठे, मर जाए नीचे बैठे। जी, अच्छा आप, मैं देखता हूँ सर लोग जाल के अंदर इसको बांध के करते हैं, मतलब जाल बना दिया उसके अंदर, लेकिन आपने फ्री रेंज किया हुआ है, तो फ्री रेंज का सर क्या फ़ायदा होता है, क्या वाकई में इससे कुछ बचत होती है या? सर फ्री रेंज में उसको भी कुछ आदमी अगर बंधा हुआ रहे तो वो अलग है सर, फ्री रेंज में घूमता है एक तो तंदुरुस्त रहता है, कीड़े मकोड़े घास फूस खाता है, हमारा जो वेट यो आपका फीड है ये कम कॉस्ट हो जाती है, एक टाइम फीड खुआते हैं एक टाइम बाहर खोलते हैं। तो लागत क्या आ रही है सर पर मुर्गी की बात करें तैयार होने में या मुर्गे की? सर लागत तो आप ही लगा लो आधी आ रही है, मतलब 150-200 रुपये में मुर्गा तैयार हो जाता है सर। और कितने का जा रहा है अंडा और मुर्गा? सर मुर्गा जो है सोनाली का अभी हम 15 का दे रहे हैं और इसका 25 रुपये का दे रहे हैं कड़कनाथ का, और मुर्गा जो है सर मुर्गा 1000 रुपये का है, मुर्गी 800 रुपये की है सर। सर लोग कहते हैं कि काम तो शुरू कर लें लेकिन कहाँ बेचें, तो आप कहाँ बेच रहे हैं अपना माल ये? सर हम तो पोस्टर लगा रखे हैं सर आस पड़ोस के गांव में, नुक्कड़ पे 2-4 जानने वाले हैं आस पड़ोस में, बता दीजिए वहाँ से ही माल बिक रहा है सर, कोई माल नहीं रुक रहा सर हमारा। यानी सिर्फ काम करने की ज़रूरत है, लोग सोचते हैं सर कोई काम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सर देखो नुकसान मान के अगर काम करोगे तो देखो नुकसान भी होता है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है, छोटे शुरू कर सकते हैं आप, 10-20-50 बर्ड से शुरू कर सकते हैं, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है सर। अच्छा, हाँ सर। वो कैसे सर? सर देखो हम फ्री बाहर खोलते हैं, उनको फीड भी बहुत कम देते हैं, शाम के टाइम थोड़ा सा देते हैं और फ्री में अंडा मिलता है। अब अंडे की कॉस्ट अगर 10 रुपये भी हुआ तो अगर हमने उसको फीड भी खुआया तो 3 रुपये का खाएगी वो, और हम बाहर भी खोल ले तो हम 1 रुपये का खुआते हैं प्रति मुर्गी को, और 10 रुपये का अंडा जा रहा तो क्या सोने का अंडा नहीं हुआ सर? बिल्कुल। ये सर किलो के हिसाब से बिकते हैं या? सर हम पीस के हिसाब से बेचते हैं हम तो। अभी क्या रेट चल रहा है सर अंडे का और पीस का? सर अंडे का तो इसका 15 रुपये का अंडा है सोनाली का, और उसका 25 रुपये का अंडा है, और मुर्गे का अंडा 1000 रुपये, वो मुर्गा 1000 रुपये का है सर, और मुर्गी सर 800 रुपये की है सर सोनाली की, कड़कनाथ की कोई कॉस्ट नहीं है, 1500 लेके वो 5000 रुपये तक हम बेच देते हैं। अच्छा, इतना महंगा? हाँ सर, उसको VIP लोग पसंद करते हैं। तो आप सर ये बच्चा लाए थे या बड़ा लाए थे? सर बच्चा भी लाए थे और बड़ा भी लाए हैं। तो बच्चा कितने का लाए थे और बड़ा कितने का लाए थे? सर बच्चा जो है हम 30 रुपये का लाए थे और बड़ा जो है 500 रुपये का लाए हैं सर। जी, और सर अगर कोई शुरुआत करना चाह रहा है तो शुरुआत कैसे करे देसी मुर्गी पालन की? सर जैसे ही अभी आप जाडे आ रहे हैं तो अंडे के पर्पज से लाए, 4-5 महीने पहले बच्चा ले आए और वो तैयार कर लें, या बड़ी ले आए 1 महीना पहले और उसको बेचे, और दिवाली जैसे वो होली आएगी होली से 4 महीने पहले ले आए। फीड कॉस्ट क्या आ रही है सर इसको, खाने का जो बात करें डेली का कितना का खाना खा जाती है? डेली का 70-100 ग्राम खाती है सर पर मुर्गी, मुर्गी मुर्गा आप उसको फ्री घुमा लो या फीड दे दो। हम देख रहे हैं सर मुर्गी से आपने शुरुआत करी, अब वर्मिंग कंपोस्ट भी कर रहे हैं, सिरका भी आप कर रहे हैं जी सर, और चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं जी सर, तो क्या मतलब क्या प्लानिंग है आपकी आगे की, और इससे कुछ फ़ायदा वगैरह हो रहा है आपको? सर बहुत फ़ायदा हो रहा है, 40-50-60 हज़ार रुपये आराम से आदमी किसान कमा लेता है, और हमारा बढ़ाने का ही प्रोसेस है सर। और सिरका वगैरह कहाँ सेल कर रहे हैं, शहद वगैरह? सिरका मेरठ भी चला जाता है सर, आस पड़ोस के गाँव की पूर्ति नहीं हो रही सर अभी हमारी।
मतलब डिमांड है, बस ये है कि चीजें लोगों तक मिल नहीं पा रही हैं। सर प्योर चीज लोगों को मिल नहीं रही, सब धोखाधड़ी कर रहे हैं। अंडों पे भी कलर होता है, सिर का भी उससे सीसी से बन जाता है, इतनी केमिकल की सीसी आती है। प्योर सामान कोई नहीं बेच रहा, हम अपने सामान की सर गारंटी लेते हैं। ये जो पूरा फार्म का सर क्या एरिया है टोटल? ये सर 30x90 का है, 30 फुट चौड़ा और 90 फीट लंबा। लागत क्या है इसको बनाने में सर? इसको 2.5 से 2.5 लाख रुपए की आ गई सर। आपने पूरा शेड बना लिया है? जी सर। और आपने जो बाहर जगह छोड़ी है वो इनके फ्री रेंज के लिए? ये सर 2 बीघा जमीन है, अभी तो 1 बीघा है उधर, 1 बीघा, 1 बीघा इनके फ्री रेंज के लिए है सर। जी जी जी। अभी इसको बढ़ाएंगे गन्ना कटने के बाद। तो सर ये जो ब्रीड है आपकी कितने अंडे देती है साल में? साल में सर ये तो रोज का रेशो लगा लो आप, 100 पे 70 अंडे देती है। जी। और मुर्गे कितने हैं, मुर्गियां कितनी हैं अभी? ये सर 300 मुर्गियां हैं और 50 मुर्गे हैं। यानी औसतन की मुर्गे कम हैं और मुर्गियां ज्यादा हैं? हाँ जी जी जी। ऐसा है सर, 10 मुर्गियों पे 1.5 मुर्गा चाहिए, 100 मुर्गियों पे 15 मुर्गे चाहिए। जी। अच्छा सर, कभी भी कोई आदमी काम शुरू करता है तो नुकसान जरूर होता है, तो क्या आपको नुकसान हुआ इस बिजनेस में? ना सर, हमें अभी कोई नुकसान नहीं हुआ सर। लेकिन सर सुनने में आता है कि मुर्गी फार्म आज वो बंद हो गया, आज ये बंद हो गया, तो कारण क्या रहता है सर? उनको क्या नॉलेज नहीं होती है या माल बिक नहीं पाता है? सर कारण सब कुछ होता है, पहले बात तो नौकर नहीं मिलता, अपने आप खुद करना नहीं चाहते लोग, पहले खुद करें फिर आपको भरोसा होगा कि इसमें मार्जिन है या नहीं है। और साथ में आप ये फीड भी दे रहे हैं? जी सर, ये फीड भी दे रहे हैं। मतलब एक टाइम जो है फीड चल रहा है आपका? जी सर। और एक टाइम फ्री रेंज बाहर का चल रहा है? जी सर। अच्छा सर, कितना समय आपको देना पड़ता है इसको, मतलब कितने घंटे की जरूरत है इसको? सर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, अगर आप फीड फीड पे पालते हो तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बाहर खोलते हो तो यहाँ आदमी रहना चाहिए। मतलब आप अगर जॉब भी कर रहे हैं कहीं पर? हाँ। या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो अपना जॉब के साथ साथ बहुत आसानी से हो सकता है सर, सुबह शाम इसको कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा। अच्छा आइए सर, कड़कनाथ का भी देख लेते हैं सेटअप आपका। ओके सर, आइए उधर आ जाइए सर। जी और सर ये फ्रूट भी मैं देख रहा हूँ आपने, पपीता वगैरह? हाँ सर, ये पपीते का पेड़ है, ये आलू बुखारे का पेड़ है जी, उधर अंजीर है, मतलब पूरा आपने, और ये जो है लाल चंदन है सर। जी जी। देखिए पपीता जो है ये चाव से खा रही है सर। हाँ देखो पपीता खा रही है देखो, ये भी इन दोनों की आज की फ्री में कॉस्टिंग हो जाएगी सर, ये फीड बिल्कुल नहीं खाएगी। बिल्कुल नहीं। इस तरह से भी जो है फार्म को प्रॉफिट में ला सकते हैं? बहुत अच्छा सर। अच्छा ये क्या डाला हुआ है सर आपने? ये सर चूना है जी, ये अपनी मर्जी से चूना भी पीती हैं, तो इनको कोई बीमारी नहीं आती, जैसे वैक्सीन वगैरह करते हैं ना लोग। हाँ जी। वो बीमारी भी नहीं आती, देखो वो आ गई अभी। जी जी जी। हाँ जी। ये सर कड़कनाथ का है। अच्छा ये कड़कनाथ का आपने अलग से बनाया हुआ है? जी सर, ये कड़कनाथ का अलग से बनाया हुआ है। अच्छा हम देख रहे हैं सर ये टायर आपने रखे हुए हैं, टायरों में क्या है चल रहा है? टायरों में सर देखो अंडे, टायरों में फिक्स आती है मुर्गी। अच्छा। और अंडा दे दिया देखो टायरों में। जी जी। टायरों जी में अंडे देते हैं, उधर करेट रख रखी है उसमें अंडे देते हैं। और कड़कनाथ कितने हैं सर अभी आपके पास? कड़कनाथ 100 है सर। 100 अपने कड़कनाथ है। देखो इसमें फीड भी बहुत कम मिलेगा, ये बाहर चर का आई ना तो फीड बिल्कुल नहीं खाती, फीड अपना मुंह मारा फिर बाहर चली गई। तो यानी किसान भाई जो है अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं फीड की? बहुत बचा सकते हैं। ये 2 सर हम इसके लाए थे असील के सर। अच्छा अच्छा। ये फाइटर इनको बोलते ये हैं? फाइटर बोलते हैं सर इनको। ये 2 हम असील के लाए हैं, मगर इससे भी शौक हो जाएगा, देखेंगे ये भी कितना अंडा देती है। ये देखो सर यहाँ भी इन्होंने अंडे दे रखे हैं, ये देखो सर। जी जी। इस तरह से जो है ये अंडे देती हैं? जी सर। देखो इधर भी अंडे दे रही है। ये देखो सर। जी जी। तो ये तो सर एक गांव के आदमी के लिए सर बहुत अच्छा एक जरिया है। हाँ सर बहुत अच्छा जरिया है, अगर कोई भी किसान या युवक पढ़ाई पढ़ुई करके कहीं नौकरी नाकरी नहीं लग रही तो बहुत अच्छा काम है सर, इसको एक बार करके जरूर देखे, थोड़ा सा हिम्मत करे बस, और शुरुआत करने की जरूरत है। बस शुरुआत करने की जरूरत है सर, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। जी जी। नो लॉस, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सर। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर।